सो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमएससी जियोलॉजी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पेपर नंबर फोर्थ के। फोर्थ पेपर कौन सा है अपना? जनरल फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमएससी प्री के। दैट्स क्लियर। अब देखिए एग्जाम पैटर्न आपको पता होगा कि किस तरह से अपना एग्जाम में पेपर आता है। जो फर्स्ट में टोटल पांच क्वेश्चन आते हैं, जो फर्स्ट नंबर का जो अपना क्वेश्चन होता है ना वो होता है 20 नंबर का। वैसे सारे क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं, फर्स्ट नंबर का 20 नंबर का होता है, लेकिन उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 20। सारे एक एक नंबर के आते हैं, वो आते हैं एक एक नंबर वाले। दैट्स क्लियर। जो सेकंड नंबर का एंड जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन होता है ना वो आता है, उसके अंदर चार से लेके पांच तक क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब शॉर्ट नोट वाला पोर्शन होता है वो, उसमें शॉर्ट नोट क्वेश्चन आएंगे। वो भी इस वीडियो में अपन क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन में से आपको शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं। जो फोर्थ नंबर का एंड जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, एक सिंगल क्वेश्चन आता है 20 नंबर का। कई बार बहुत ही कम चांस होता है, हो सकता है कि वो भी शॉर्ट नोट के अंदर आ जाए, लेकिन उसमें दो से ज्यादा शॉर्ट नोट नहीं आएंगे, दो ही पॉइंट आएंगे जिनको अपन को डिस्कस करना होता है। तो चलिए उन सारे क्वेश्चन को अपन लेके चलते हैं, बड़े वाले छोटे वाले सबको लेके चलते हैं, इसमें सब कवर हो जाएंगे। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल फिजियोलॉजी के पेपर नंबर फोर्थ एमएससी जियोलॉजी प्री के। ओके, अब क्वेश्चन नंबर एक आ जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन छोटी से आराम से मिल जाएगा, चाहे वो शॉर्ट नोट में मिले, चाहे वो एक बड़ा सिंगल क्वेश्चन पूछे। क्योंकि कई बार आ चुका है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी पूछा जा चुका है, एड्रेनलिन ग्लैंड के बारे में भी पूछा जा सकता है, और जो थायराइड ग्लैंड है इसके बारे में भी पूछा जा चुका है। अब बच गई कौन सी? पेनक्रियाज बच गई, क्योंकि ये जो थायराइड जो ग्लैंड है इसके बारे में पूछा गया था, लेकिन जो एड्रेनलिन जो ग्लैंड है ना, छोटा नोट पूछा गया था इसके बारे में, तो बोल सकते हैं पेनक्रियास, एड्रेनलिन एंड ये जो टेस्टिस एंड जो ओवेरीज है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस रखिएगा। पढ़ने वैसे सबको है, पहले ही बता दे रहा हूं, हो सकता है फिर से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है रिपीट हो जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस भी है इसके अंदर पोर्शन आ जाता है, थोड़ा बहुत उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर देना। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो एक तरह से ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और फिर भी आपको लगता है नहीं मिले, आप थोड़ा बहुत इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बाई चांस अपन को मिल भी सकता है। तो फर्स्ट नंबर तो आ गया एंडोक्राइन ग्लैंड का, सेकंड नंबर का आ जाता है O2 एंड CO2 में रेस्पिरेशन जो गैस है उसका ट्रांसपोर्ट है वो किस प्रकार होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख के जरूर जाना एग्जाम में जाने से पहले। बड़ा नहीं तो छोटा क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा, जो शॉर्ट नोट वाले हैं उसके अंदर आपको सिंगल दे देगा कि O2 ट्रांसपोर्ट को समझाइए, CO2 ट्रांसपोर्ट को समझाइए, और बड़ा आएगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको दे देगा, क्योंकि काफी ठीक क्वेश्चन है, 20 नंबर लायक का क्वेश्चन है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रेक्शन। मसल कॉन्ट्रेक्शन की मैकेनिज्म है एंड जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 15 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, सारे पढ़ना ऐसे नहीं कि बीच में छोड़ दे, इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। ये नहीं तो इनके अंदर के जो पार्ट्स है ना वो आपको शॉर्ट नोट में जरूर ही जरूर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेस टॉलरेंस क्या होता है। ये क्वेश्चन पढ़ लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आपको देखने को मिलेगा। एक इसी के जैसा एक क्वेश्चन हो रहा है उसको भी आगे देखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस टॉलरेंस क्या होता है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हार्मोन इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से हार्मोन है जो अपनी भूमिका निभाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर आ जाता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, इनके बारे में भी एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट से लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था। दैट्स क्लियर। फिर आ जाता है हार्मोन इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि हार्मोन है वो डेवलपमेंट में एंड जो ग्रोथ है उसके अंदर कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स है जो अपना रोल है वो प्ले करेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स की फिजियोलॉजी क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना। जो मैंने अभी बताया था कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस एंड स्ट्रेस टॉलरेंस है उससे ही रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू O2 डिफिशियंट स्ट्रेस
बॉडी एक्सरसाइज मतलब O2 की कमी से कौन कौन सा स्ट्रेस हो सकता है, और जब अपन एक्सरसाइज करते हैं उस समय अपन को जो कौन सा O2 की कमी है वो कैसे हो सकती है, स्ट्रेस लेने से भी O2 की कमी हो सकती है, फिजियोलॉजी में क्या आपको रिस्पांस देखने को मिलेगा जब अपन ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एंड बॉडी में जब अपन एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तब क्या होता है, ये सब कुछ अपन को इसमें समझाना है। तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको अथवा में भी मिल सकते हैं एंड आपको शॉर्ट नोट के अंदर भी मिल सकते हैं। फिर आ जाता है न्यूरो एंडोक्राइन क्या होता है एंड न्यूरो सिक्रेशन क्या होता है, शॉर्ट नोट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। फिर इकोलोकेशन इन बीट्स एंड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेवेशन, भूख के क्या प्रभाव हो सकते हैं और बीट्स में कैसे चमगादड़ में इकोलोकेशन हो सकता है। ओके फिर आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड मैकेनिज्म ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, कि जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर क्या होगी एंड मैकेनिज्म बताइए सिनेप्टिक ट्रांसमिशन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जरूर जाना है अपन को। फिर आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ विजन एंड फोटो रिसेप्टर, कि विजन की जो मैकेनिज्म है वो बताइए एंड फोटो रिसेप्टर की मैकेनिज्म बता दीजिएगा। ओके दैट्स क्लियर। फिर आ जाता है थर्मोरिसेप्शन क्या, रिसेप्टर क्या होता है एंड इंफ्रा जो डिलीटेशन होता है डिटेक्शन होता है सॉरी इंफ्रा जो डिटेक्शन होता है वो क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आ जाता है मेडिटेशन योगा एंड इसके क्या इफेक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आजकल इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इसलिए अपन को मेडिटेशन योगा एंड इसके क्या क्या इफेक्ट है ये क्वेश्चन 99% आपको देखने को मिल सकता है। दैट्स क्लियर, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात आ जाती है कि आप इनको पढ़िए एकदम क्योंकि एग्जाम आने वाली है। फिर आ जाता है कि इनके जो नोट्स एंड जो इनके ये जो पेपर है ये मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, और वैसे कुछ एक टॉपिक्स हैं इसके जो मैंने पढ़ा रखे हैं अपने चैनल के ऊपर, वहां से भी आप इनको देख सकते हैं। ह्यूमन फिजियो काफी तरह लगभग सारे ही करा रखे हैं, सिर्फ ये छोटे मोटे क्वेश्चन है इनको मैंने नहीं करा रखा है, बड़े वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे मैंने चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर रखा है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, और नोट्स का मैंने आपको बता रखा है टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो एग्जाम की तैयारी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।